मौजूद हूँ और ये मरकजी वो शारा है, लॉस मार्केट को भी जाती है और यहीं से गुरु मांगत रोड को भी जाती है। और यहाँ पर आप मेरी बैकग्राउंड पर देख रहे हैं जिस तरीके से मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। इनका ये कहना है कि डब्बे के दूध को फौरन बंद किया जाए, अगर डब्बे के दूध को बंद ना किया गया तो हमारा ये मुजाहरा, ये एहतजाज जारी रहेगा और इसके बाद हम अपनी इसको रैली की शक्ल देंगे, जो लगातार जब तक ये डब्बे के दूध बंद नहीं किए जाएंगे ये रैली, ये एहतजाज जारी रहेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टायर जलाकर मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। मेरी बैकग्राउंड पे अगर आप लोग देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि मेरी बैकग्राउंड पर किस तरीके से ट्रैफिक ये लोग ब्लॉक किए हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये ट्रैफिक तब तक हम ब्लॉक रखेंगे जब तक सही तरीके से डब्बे के दूध को बंद नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए दूध के डब्बे, ये जो मिलावट कर रहे हैं बिल्कुल, हमारे सारे बच्चे खराब वो हो रहे हैं बिल्कुल। दूध के डब्बे नहीं चाहिए, खालिस दूध चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए दूध के डब्बे, बंद करें। ये नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एहतजाजी मुजाहरा जारी है और आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर आग भी जलाई जा रही है और इनका ये कहना है कि ये सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर मजीद नुमाइंदों से और आवाम के, बहुत से लोग यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद महमूद। खालिद महमूद, आप लोग ये मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? ये डब्बे वाला दूध बंद करवाना चाहते हैं हम, डब्बे का दूध बंद करवाना चाहते हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? ये जब तक दूध के डब्बे बंद नहीं होंगे, जब तक दूध के डब्बे बंद नहीं होंगे ये मुजाहरा, ये एहतजाज इनका जारी रहेगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या आप लोग करेंगे? हम पेड़ हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे। इनका ये कहना है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती ये लोग एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे। कि ये हमारी नई जनरेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, वो क्योंकि मदर्स मिल्क जो होता है उनमें सब प्रोटीन होती है, सब चीज़ें होती हैं, जिस वजह से ये कुछ कंपनीज अपने मफाद के लिए, अपने पैसों के लिए ये सब बेचती है, इसलिए मैम। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि किसी और से भी बात की जाए जिससे हमें मालूम हो कि मजीद इनका मौकिफ क्या है, इनका क्या कहना है, कितना जोश और जज्बा है इस हवाले से इनका, मजीद भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां नसीर अहमद। मियां नसीर, बताइए ये एहतजाज हो रहा है, बहुत बड़ी आवाम यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है, बड़ा बैकग्राउंड पर भी ट्रैफिक भी ब्लॉक किए हुए हैं, क्या कहना है आप लोगों का? हमारा ये कहना है कि जो फैक्ट्री वाले जहर मिला रहे हैं, पाउडर मिला रहे हैं इसमें, ये हमें ये दूध डब्बे वाला नहीं चाहिए, खाली दूध हमें चाहिए, ये डब्बे वाला दूध नहीं चाहिए। इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, फूड अथॉरिटी के जो इंस्पेक्टर हैं उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, ये लाहौर शहर की एक मरकजी शारा है जो बकायदा यहाँ से जाती है, गुरु मांगत रोड को भी जाती है और फिरदौस मार्केट को भी, यही चौक जाता है, चौराहा है, बहुत सी सड़कें यहाँ से निकलती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक किए हुए ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद, आवाम के कहने के बावजूद, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी ब्लॉक है और इनका ये कहना है कि ये लोग तब तक ये अपना एहतजाज बंद नहीं करेंगे जब तक दूध के डब्बे बाजार में बिकना बंद नहीं होंगे। मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरामैन एक मरतबा आपको सारा मेरा बैकग्राउंड दिखाए जहां पर आवाम खड़ी है, बहुत से लोग खड़े हैं और ट्रैफिक रोके हुए हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, बहुत कुछ इनका कहना है, इनके मुतालिबों को सुनना चाहिए आवाम को।